तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक SP होंडा 125 के एक बहुत अच्छे फीचर की। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमें ये नहीं पता होता कि हम गाड़ी की सर्विस कब करवाएं, और हम गाड़ी को बिल्कुल यूज़ करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमें इसे सर्विस करवानी है इसकी। तो मैं आज इसके एक नए फीचर के बारे में बता रहा हूँ जो होंडा SP 125 में दिया है और बहुत ही अच्छा फीचर है। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या फ़ीचर है। हम आते हैं स्क्रीन पर, इसके डिजिटल जो इसकी डिस्प्ले है अब देखो। इसमें मैं दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, मैंने इसे डिस्प्ले को ऑन कर दिया है, और ये देखो ये इसका एक ये जो एक टूल बना हुआ आ रहा है स्पैनर का, ये टूल जो बना हुआ है ये बता रहा है कि आपका सर्विस का टाइम आ चुका है। वैसे भी जब आपको कैटलॉग दिया जाता है तो उस पर सर्विस का टाइम लिखा होता है आपको, और पता होता उसमें बताया जाता है कि 600 किलोमीटर पर या 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, कितना भी इसकी सर्विस होनी होती है तो वो इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जैसे अभी इसमें दिखाया गया है कि जैसे ये इसमें इंडिकेशन स्टार्ट हो गया, तो ये 600 किलोमीटर का था, यानी फर्स्ट सर्विस का जो टाइमिंग था वो 600 किलोमीटर का था। तो 600 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस होनी थी, लेकिन मैं इसे नहीं ले जा पाया, और इसकी ये देखो ये इसकी ये इसका माइलेज हो गया डिजिटल में, डिस्प्ले में चेक कर रहा हूँ इसका। अभी ये जो रेंज है इसकी ये बता रही है कितने पेट्रोल में कितना जा सकती है, और ये है इसका 916 किलोमीटर हो गया, यानी 916 किलोमीटर मैं इसे चला चुका हूँ, और इसका टाइम मतलब जो इसका सर्विस का टाइम था उससे मैंने ज़्यादा ही इसे यूज़ कर लिया है, टाइम नहीं मिल पाया था जाने का, तो अब मैं इसमें जा रहा हूँ और इसकी सर्विस करवाऊँगा आज। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि ये जो SP125 इज़ लुकिंग बहुत अच्छी है, सही में इसकी लुकिंग बहुत प्यारी लगती है। आपको भी देखो इसकी लुकिंग अच्छी लगेगी इसमें। तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो इसकी लुकिंग लगती है, और ये बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। तो इसकी लुकिंग होती है और यही इसका सबसे अच्छा फीचर है। एवरेज बढ़िया है इसका, अभी 60 के अराउंड इसका एवरेज निकल रहा है, और इसके बाद में अब ये फर्स्ट सर्विस पे जाएगी तो देखते हैं कितना इसका एवरेज आता है। आज ये सर्विस लेके जा रहा हूँ इसे मैं, और फिर देखते हैं इसका क्या एवरेज निकलता है, और जैसे इसके सर्विस के बाद में बताऊँगा। अगर मुझे सर्विस के टाइम पे कुछ फीचर्स अगर और इसके कलेक्ट कर पाया तो मैं वो भी ऐड करूँगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।